हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि आप सबको हम लगातार ICAR, CUET, UG, PG और एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते आ रहे हैं, उसी के साथ हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ICAR PG 2024 की। जो उसका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और क्या 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 जो है डेट्स रहने वाली है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या क्या आपको प्रेफरेंस रखनी होगी और यूनिवर्सिटीज वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज अभिषेक मालो, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड आई करंटली परस्यू माई मास्टर्स फ्रॉम BHU इन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम आज इसमें जानते हैं आपको कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको जाना होगा ICAR admission.in पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको क्या क्या जो है शेड्यूल रहने वाला है, किन किन डेट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग की जो है डेट्स हम नोट करेंगे, फर्स्ट राउंड कब आएगा, सेकंड राउंड कब आएगा, मोपअप राउंड कब स्टार्ट होगा, इन सब चीज़ों की जो है हम इसमें बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम शेड्यूल पे। तो फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25, ठीक है। तो NTA ने जो है आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया था 13/8/2024 को। उसके बाद जो है रैंक कार्ड आपको रिलीज हुआ और आपने डाउनलोड कर लिया होगा सबने 10 तारीख को। उसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जो है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, फ़ी पेमेंट कर दी होगी काउंसलिंग की, ठीक है। उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी होगी, ठीक है, काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करने के बाद या आप एडमिशन रैंक कार्ड को डाउनलोड करने के बाद जो आप हमें जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 5 बजे जो है आज काउंसलिंग का जो है शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, कैसे जो है सीट मैट्रिक्स जो है आपको देखना होगा, ये सब जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आपकी जो है लास्ट डेट रहने वाली रजिस्ट्रेशन की, तो 20/9/2024 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो आप सब जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी हम लास्ट में बात करेंगे आपको कैसे जो है फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इन सब चीज़ों की जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक वीडियो में सारी जानकारी जान लेंगे और आपको जो और वीडियो पे जो है स्किप नहीं करना पड़ेगा या पर आप उसको देखना नहीं पड़ेगा, एक वीडियो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो मैं बात करूँ फर्स्ट राउंड की, तो फर्स्ट राउंड का जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो है फर्स्ट राउंड अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट 23 तारीख को जो है अलॉट होगी आपको सीट्स, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली 25, 2 दिन आपकी सीट रहेगी, ठीक है। अगर आपने आपको सीट अपग्रेड करनी है या फिर आपको जो है एक्सेप्ट करनी है तो आपको दोनों केस में जो है फ़ी पेमेंट करनी होगी, ठीक है, फ़ी पेमेंट आप सबको ज़रूर करनी होगी। देन नेक्स्ट, उसके बाद काउंसलिंग का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है आपको लिंक आएगा या फिर उसकी लास्ट डेट बोले तो 26 तारीख जो है आपकी रहने वाली है। उसके बाद रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिए उनको रीसबमिट करने होंगे 27 तारीख को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वेरीफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको 27 तारीख तक ही जो है सबमिट करने होंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो लास्ट फी एक्सेप्टेंस है वो आपको 27 तारीख तक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगर अपग्रेड कराया आपने, ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में उनको जो है सेकंड राउंड जो है 30 तारीख को आने वाला है। कब आने वाला है? 30 तारीख को, 30/9/2024 को। और उसके बाद वैसे ही जो है सेम प्रोसेस जो है डेट मेंशन है, आप देख लेना। मैं आपको जो है टेलीग्राम पे हमारे यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये ब्रोशर है मैं डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही जो है 7 तारीख को आपका थर्ड राउंड अलॉट होगा और आपकी जिन्होंने भी अपग्रेड लगाई है या फिर उनको सेकंड और फर्स्ट राउंड में नहीं मिला उसको थर्ड राउंड में मिलने के चांसेस है, तो आप 7 तारीख को वो देखेंगे। सेम आपका वैसे ही प्रोसीजर रहने वाला है पर डेट अलग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ राउंड की, तो फोर्थ राउंड आपका 14 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मोपअप राउंड की हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बात करेंगे, तो आपको पहले जो है रेगुलर राउंड की यहाँ पे हमने बात कर ली, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ आपको कैसे जो है फॉर्म फिल करना होगा, क्या क्या कैंडिडेट्स को जो है इंस्ट्रक्शन जानने होंगे, ठीक है। तो मैं बात करूँ दोस्त कैंडिडेट्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट है ये पढ़ के जो है आपकी काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। और दोस्त कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव मार्क्स इन AIPG आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपके 0 मार्क्स आएँ, ठीक है, और आपके जो है नेगेटिव में मार्क्स आएँ तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। देन
दिस विल बी द फोर्थ राउंड काउंसलिंग एंड मोपअप राउंड इफ नीडेड अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड ओनली. ठीक है, तो अगर आपने अपग्रेड लगाया तो आपको तीन ही राउंड जो है मिलेंगे अपग्रेड के लिए, और उसके बाद जो है फोर्थ राउंड काउंसलिंग एंड अगर आपको मोपअप राउंड के लिए लिए जाना है तो आपको जो है उससे पहले जो है चार राउंड मिलेंगे, उसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं. देन मोपअप का अलग प्रोसीजर होता है. ठीक है, उसके बाद ICR डज नॉट अलॉट कॉलेज टू कैंडिडेट. किन बच्चों को जो है ICR कॉलेज अलॉट नहीं करेगा. इट अलॉटेड यूनिवर्सिटी टू द कैंडिडेट्स वेयर एज अलॉटेड अलॉटमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी अलॉटेड शैल बी रेगुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. द यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटेड एंड द प्लेस ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज प्रोग्राम ओनली. ठीक है, जिन स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट कैंपस में उनमें जो है जिनमें सीट्स अवेलेबल होगी उनमें जो है आपको सीट्स अलॉट होगी. ठीक है, और बाकी में आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते. ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है आपकी मेरिट निकलेगी, उसके बेस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होंगे. ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट दैट द हैविंग ए फोर और सिक्स ईयर. ठीक है, कोई की चार साल की जो है डिग्री होती है और कोई की छः साल की जो है डिग्री होती है, तो वही जो है आपके जो मास्टर्स UG डिग्री इज एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ मास्टर डिग्री. जिनकी BSc AG जो है चार साल की या फिर छः साल की जो है वही इस प्रोग्राम में इस साल ले सकते हैं. ठीक है, पार्टिसिपेंट जो है कैंडिडेट जो है इसमें इस साल ले सकते हैं. देन उसके बाद ये UGC गाइडलाइंस है, आप जाके देख लेना. ठीक है, और ज़्यादा कोई वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है यहाँ पे वो नहीं है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन है ना. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें, स्पेशल मोपअप राउंड के बाद में बात करेंगे. देन उसके बाद चलते हैं हम कैसे आपको जो है फॉर्म फिल करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो आपको ICR admission.in पर जाना होगा. उसके बाद जो है आपको ID पासवर्ड जनरेट हो रखे होंगे, या फिर आप अगर नहीं हो रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा अपना PG के जो रैंक कार्ड के लिए. उसके बाद उसी ID पासवर्ड से लॉगिन करना है, और वहाँ पे जो है आपको मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोसीजर आपका रहने वाला है. ठीक है, तो आपको जो है सिंपली आपका जो क्रेडेंशियल है तो वो आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल रखे होंगे, तो उनको जो है यूज़ करें. और उसके बाद जो है आपको गाइडलाइंस जो है मैं बताता हूँ. एक सेकेंड, आपको सिंपली वहाँ जाके आपके सारी डिटेल्स है वो फिल कर लेनी है. ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे ऑनलाइन काउंसलिंग में, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फर्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या आपकी 10th की मार्कशीट है वो, ठीक है, वो अपलोड करनी होगी. और जो सारे आपकी मार्कशीट है 10th 12th की, अगर उसके साथ आपका मेरिट जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ओनली मार्कशीट ही अपलोड करेंगे. उसके बाद आपके UG की जो सारी डिग्री से सारे सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी. ठीक है, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो NTA ने रिलीज़ किया वो अपलोड करना है. उसके बाद आपका जो कंफर्मेशन पेज है NTA के द्वारा, जो आपने काउंसलिंग का फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन दिया उसका जो है NTA एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा. देन उसके बाद रैंक कार्ड आपका जो है ICR ने निकाला है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना होगा. देन उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर एडमिटेड यूनिवर्सिटी. ठीक है, अगर आपको जो है यहाँ पे आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, या आपको काउंसलिंग के टाइम पे जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको रिक्वायर होगा. ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड आपको उस टाइम भी चाहिए होगा, इस टाइम भी चाहिए होगा. उसके बाद डोमिसाइल आपको दोनों टाइम अपलोड करना होगा. ठीक है, तो ये आपको जो है क्रॉस लग रहे हैं वो आपको जो है, जैसे फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा है ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, तब काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो है ये टिक लग रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे. ये आपको जो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो आपको ये सारे जो टिक लग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूँ आपका, एक सेकेंड, अब मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग की. चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी होगी, ठीक है, आप फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस जितनी भी आपको यूनिवर्सिटीज़ है वो सब में जो है फिल कर सकते हैं. और आपको मैं प्रेफरेंस की अगर मैं बताऊँ तो प्रेफरेंस में आपको जो है, जैसे पहले आपका IAR, ठीक है, आपने फिल कर दिया फर्स्ट नंबर पर. देन उसके बाद अगर आप GBPUT जाना चाहते हैं तो GBPUT तो आप अपलोड कर सकते हैं. ठीक है,
ठीक है, उसके बाद JBPUT, उसके बाद आप PAU जाना चाहते हैं तो वहाँ की फीस ज़्यादा है, तो आप कोई अवॉइड करता है कोई नहीं करता है, ठीक है, कोई फीस अफोर्ड कर सकता है तो वो जा सकता है। उसके बाद JBPUT के बाद आप BHU बढ़ सकते हैं, ठीक है, BHU के बाद आप PAU या फिर आपकी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वो बढ़ सकते हैं, NDRI भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, NDRI वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, आप आनंद बढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप जो है रैंकिंग वाइज अपलोड कर देंगे, ठीक है। UG में दिक्कत आती है बट PG में जो है ऐसा कोई लफड़ा नहीं रहता है, आप जैसे टॉप टॉप यूनिवर्सिटी उनको पहले डाल देंगे, उसके बाद आप जो प्रेफरेंस देना चाहें जहाँ की थोड़ी फैसिलिटीज अच्छी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई माथे बच्चे वाला काम नहीं है, तो आप इजीली जो है भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है आपका क्या प्रोसीजर, फी, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या रहने वाली है, ये सब जो है आपका जैसे UG में था 10,000 रुपये जो है आपको फी पेमेंट करनी होगी, देन उसके बाद ही आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, पहले आपको फी पेमेंट करनी होगी, देन उसके बाद आप सीट को जो है आपकी फ्रीज नहीं करेंगे, अपग्रेड लगाना हो तो अपग्रेड कर लो, अगर आपको मनचाही जो है सीट्स मिल चुकी है तो आप जो है अपग्रेड नहीं लगा के एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अगर आपको फीस पेमेंट करोगे तभी आपको जो है अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका जो है फिजिकल रिपोर्टिंग की, क्या है जो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, तो पहले आज आप सब जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करें, और मैं आपको लास्ट डेट बताऊं रजिस्ट्रेशन की, मैंने वैसे तो बता ही दिया शेड्यूल में, तो आपकी जो है 20 तारीख जो है लास्ट डेट रहने वाली है, तो 20 तारीख से पहले पहले आप जो है सारे रजिस्ट्रेशन कर लें और आप जो है आपकी सीट जो है तभी आपको मिल पाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है ये ब्रोशर है, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा कि आप सबने हमने आपको मोटे मोटी आइडिया बता ही दिया क्या आपके प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आप काउंसलिंग में फॉर्म फिल करेंगे और कैसे आप प्रेफरेंस डालनी होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं किन किन यूनिवर्सिटीज में कितनी कितनी सीट्स है, ठीक है, वो भी हम आपको जो है ब्रोशर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ बताई, जैसे ये NG रंगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ICR की 6 सीट हैं, उसमें से भी अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, तो UR की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 2 है, EWS PWD की 1 है, ठीक है, ये सब जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका क्या क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है PG का, तो अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं किन किन यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या फीस रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये NG रंगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्लांट फीस जो कि आपकी फीस रहने वाली है 9,000, कितना है, 93,360 जो है, हॉस्टल आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं है किनको हॉस्टल मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है, आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो ये आपको रजिस्ट्रार के नंबर है, ईमेल आईडी है, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। उसके उसी के साथ इसमें जो है सब चीज़ें दे रखी है, फ़ीस स्ट्रक्चर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या क्या फ़ीस रहने वाली है सब दे रखा है, तो आप इसको जो है प्रॉपर देख लें उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि फिर आपको काउंसलिंग के बाद जो है ये चीज़ें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ करती है, मैं लूँ नहीं लूँ, ठीक है, क्या फ़ीस रहने वाली है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी, तो आप पहले ही देख लें, ठीक है। और आपको सिंपली जो है यहाँ पे लॉगिन साइन इन पे क्लिक करना है और आपके क्रेडेंशियल डालने, क्रेडेंशियल डालने के बाद आप पोर्टल पे आ जाएंगे, उसके बाद जो है आपको पूरा प्रोसीजर आपको जानने को मिल जाएगा, ठीक है। PhD का भी सेम रहने वाला है, और आज की जानकारी यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, थैंक यू।